मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रूबीज जर्नी। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हो गया हूँ नहा धो के एकदम तैयार अपने ऑफिस निकलने के लिए। मैं आजकल बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में ऑफिस जाता हूँ। इतनी स्पीड से बोला है ना मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम में मुझे श्वेता के साथ रहना है, क्योंकि ये लास्ट मंथ है जिस टाइम पे लड़की को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी होती है। तो मैं इसलिए ऑफिस थोड़ा कम कर रखा है। क्या है कि काम दो महीने बाद कर लेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये, क्योंकि लड़की का इस टाइम पे होता है दूसरा जन्म, तो उसमें हमें सबको साथ रहना है, उसको थोड़ा मोटिवेशन देना है, थोड़ा स्ट्रांग बनाए रखना है। इसलिए मैं आजकल उसको ज़्यादा टाइम दिया। मैंने लिया है थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और मूंगफलियाँ। इन्हें पहले ऐसे अच्छे से भून लेना है, और थोड़ी सी मूंगफली और लाल वाली साबुत मिर्च जो होती है वो 15 मिनट पहले पानी में भून दिए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद इन सबको एक साथ करके, और जीरा और नमक वगैरह जो भी आप चटनी में खाना पसंद करते हैं, जैसे जीरा हुआ, हींग हुई और नमक हुआ, ये सब सारी चीज़ें डाल के उसे पीस के देखेंगे क्या बनेगा। मुझे भी नहीं पता जो भी बनेगा ठीक रहेगा। इस चटनी बनके हो गई है तैयार। देखने में खुशबू भी तो अच्छी लग रही है, खाने का पता नहीं, बस मैं नाग मिर्च घुस गई है। इसमें हरी और लाल दोनों मिर्च डली हुई है ना, कलर तो इसका ऐसा आया है। बाकी आपको अगर रेड कलर चाहिए तो इसमें कलर वाली मिर्च डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। पापा खा रहे हैं, पापा बताएंगे। लगता है ऐसी रही, देखो नारियल जैसी, क्योंकि मूंगफलियाँ डली है ना इसमें। अब टेस्ट के बाद नाना जी तो फर्स्ट टाइम ही बोला, फीडबैक लेंगे कैसी बनी है। कैसी पापा चटनी? मैंने आज पहली बार ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा है। अरे तो इधर आओ। अच्छा, तुमने तो मेरा मोटा हाथी वाला डांस डाल दिया। तरुण भैया ने आज लिया था D10 का पूरा पैकेज, पूरा पैकेज, और उसमें थे आईब्रोज। अरे तुम्हारी घर क्यों जाएगी? ठीक है, देखो देखो कितना धोखा हुआ है मेरे लड़के के साथ में। आईब्रो भी डिफेक्टेड बना दिए, यहाँ से ये वाली ऐसी छोड़ कर दी है, मतलब बाल छोड़ दिए, और इधर पूरी खत्म कर दी, और यहाँ से बाल उड़ा दिए। अब यार उसे बोलना अगली बार जाओगे तो। अभी आपको कैसा लग रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इसीलिए तो मैं ना ब्लॉग में डाल दूंगी, तुरंत ब्लॉग निकाल के दिखा देना उसे कि ये लो। ब्लॉग में डालना, क्लिप दे देना मेरे को। मैं तो ब्लॉग में डालूंगी। हाँ भैया, अगर ये नहीं आया, ये नहीं आया जो मुझ पे भैंस और बकरी लगाते हो ना, तो वहाँ तुम्हें बता दूंगी मैं तुम्हें। तो आज वैसे भी बताऊंगी, आज मुझे कुछ पता चला है बेटा। मुझे मालूम पड़ा क्या? किसी को नहीं पता, मेरे को सच में खाना भैया से, मुझे ये उम्मीद दी थी खाना भैया से कहेंगे मैं तो खाना वाना खा लूं, जरा एनर्जी ले लूं, इन्हें भी इसलिए खाना खिला दे, कहेंगे आते ही एकदम मेरे ऊपर बम फोड़ दिया, ये ऐसे कर रही हैं। इनसे तो बैठ के आराम से बात होंगी, देखना क्या होगा। किसी को नहीं पता, तुम्हारे भैया तुमसे बोले भी नहीं होंगे इसीलिए ठीक से आज। हाँ अब बोलेंगे, अब बोलेंगे अभी नहीं, अभी रूम में नहीं। बात एक बात पता चली ना हमें इनकी, जो मैं कह रही थी आपसे कि जब भैया आएंगे उसके बाद आराम से हम इनसे बात करेंगे। तुम्हें क्यों बताए, तुम्हारी है ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं। फोन लेके आ रही उनके पीछे पीछे, तो ये इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बताना है, बताऊंगी मैं, क्या है प्रूफ है मेरे पास, तो प्रूफ मेरा नहीं, मैं तो बताऊंगी तुम्हें भी छोड़ूंगी थोड़ी। मैं नहीं जाएगी तो बैठो, तुम चली हो? मैं नहीं हूँ सिंगल, सिंगल कुछ नहीं है, वो बात ही नहीं है, सिंगल हो या मिंगल हो, मेरी बहन थोड़ी है कोई भी हो, ये नहीं बोलेंगे।
जाना बट पहले बात क्लियर करो सारी तब जाना। कोई नहीं जा रहा है। अरे देख रहे हो कैसे कर रही है? कैसे कर रही है? मैं कभी पानी का पानी। अबे यार मेरे को बात करनी है, पहले तुम मुझसे बात करो उसके बाद जाना। बुला क्या रहे हो तरुण भैया? अच्छा ना सही है, कोई पता नहीं। पहले तो आओ यार, छोटी सी बात पे कि किसी लड़की यार है? छोटी बात है, एक बात होगा आप यहाँ बैठो, मैं आपके मोहल्ले में जाऊँ ठीक है, वहाँ की कोई औरत आके ये बोल दे कि हमारे लड़के की बुलाओ तो सही। हाँ तो मैं वो ये बहन का आपने प्रूफ मांगा ना, मैं प्रूफ दूंगी, पहले बैठ जाओ आराम से, सारी बातें क्लियर करो, फिर आप जाना है आप तुम्हारी मर्जी है, सुबह जाना है सुबह। क्या करें? और वो जो वो इंस्टाग्राम वाली है वो भी देखो, अभी मैं तुम्हारे सामने पूछवाऊंगी। अभी मैं तुम्हें मना किया था ना भाई, जाना बाहर पर ये सब चीजें मत करो। मैं तुम्हें बार बार बोलती थी यार इतना मत बुलाओ, इतना मत बुलाओ, पर तुम्हें अभी कि नहीं आज आज बन गई वीडियो। हां तो अभी बन गई वो तो। नहीं मैं रील्स बनेंगी, रील्स बनेंगी। तुम यार एक बात बताओ, हम तो लोग तुम्हें अपने भाई की तरह यार ट्रस्ट पे, हम तुम अपने घर बुला रहे थे, तुम वही सब चीजें करे यार, तुमने बाहर किया कल को तुम घर में भी कर दोगे। और कहना भी होगा तुम्हें बिल्कुल ऐसे रखा छोटे भाई की तरह। अब यही बात अगर मैं आंटी को बोलूं, यही बात मैं चाचा जी को बोलूं तो उन्हें ये लगेगा कि हमारे बच्चे पे ब्लेम लगा रही है किसी भी चीज का, लेकिन वो हुई है। बात तो हुई, क्या हुई? क्या हुई कितनी बार बताऊं, सामने वाली आंटी आई, तुमने कुछ बोला होगा उनकी बेटी को या देखा होगा, जो भी हुआ होगा मुझे नहीं पता, वो लोग तुम जानते हो। तो आंटी कहाँ थे? सामने का मतलब सामने ही होता है, पीछे तो होगा। अब क्यों नहीं बुलाऊंगी उनकी बेटी को? बुलाऊंगी वो भी पकड़ी जाएगी। बेटी पकड़ी जाएगी और क्या, गलती बेटी की होगा? मेरा कुछ नहीं है सर, मैं से काम करता हूं। तुम? हां मैं। अभी पता चले? कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। तो तुम जा क्यों रहे थे जब गलती नहीं? भाभी आपने तो छोटी सी इंजाम लगा दिया बिना पूछे हमसे कुछ भी। है ये छोटा ही काम है तो पूछा चाहिए था, बेचारा गुनाह कोई करके इंसान बैठा है उससे पूछ ही नहीं रहे। पूछ ही तो रही थी मैं, तुम तो बैग उठा के चल दीजिए। और क्या करते फिर? वो कुछ उपाय था तो बता दो ना। गलती तो नहीं है, तो फिर क्यों जा रहे थे? बाहर जाके इतना बात, बिना सफाई के हम जा रहे हैं और क्या लोगी? बिना सफाई के तो वही जाता है ना कुछ भी ना, जिसने किया हो तुमने किया है ना। मैं सफाई देने के लिए लगती हूं मैं किया कुछ नहीं, लेकिन वही वो बिना बात के नाम लगा यार, तो गलत है ना। तो कहना भी आपने इंस्टाग्राम पे आप मेरे को ये बोल रहे थे कि आप पता करवाओ भाभी कुछ हो रखा है, 3.4 से 3.33 से ऊपर नीचे हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, और उसमें आपका ही नाम निकल गया। बताओ वो चीज तो नहीं करी मैंने, ऐसा कुछ नहीं। आपने मेरे को ये बोला था ना कि हाँ ऐसे पैसे दे करवा लेते हैं चीजों को, वो होते हैं लेकिन वो करवाया नहीं था मैंने, बल्कि जो फ्लैग फॉलोअर थे तो वो हटाए। देना जरा अपना फोन। कल रात को हमें पता चला, मेरे को बहुत अजीब लगा, मतलब ट्रस्ट वाली चीजें नहीं थी, काम भी ऐसे करवाएंगे। पहले आंटी को बुलाया था, मेरा मैटर सॉल्व हो गया था पहले, प्लीज। क्यों तुम्हें ज्यादा जल्दी जाना है? हैं मैं चला जाता फिर क्या करूं दोबारा आऊं? मैं बोलने नहीं गई, तो चाचा से तो बात कर ले जाओ पहले, आंटी को तो बुलाओ पहले, चाचा से तो बात करो। चाचा पकड़ लेगा, चाचा भी कर दूं, कोई दूसरा है चाचा नहीं लगता हूं मैं। काना भैया का नाम लिया था या नहीं लिया था? तो बोलते क्यों नहीं हो? मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तो मेरा इंस्टाग्राम मुड़वा दो फिर खत्म कर दो सारे। यश सोनू भैया टेक। हेलो हेलो भैया, मैंने जो अपना चैनल आपने अपने फ्रेंड को दिया था मेरा चैनल चेक करवाने के लिए कि उसके फॉलोअर्स कैसे अप डाउन हो रहे हैं एक ही जगह पे, तो उन्होंने किसका नाम बताया था आपको? मुझे कौन है शिवम उपाध्याय? आप ही हो? ठीक है भैया, बस देख लिया कर रही थी, थैंक यू। ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, बल्कि मैंने फ्लैग फॉलोअर्स हटवाए थे। तो क्लियर हो गई ना? फिर किसने किया है? इतना नहीं पता, लेकिन बल्कि मैंने फ्लैग फॉलोअर्स हटाए थे, वो ऐसे नहीं करते। ये एनालिसिस नहीं बताया है,
नहीं है ऐसा, तो मैं बाकी को मना करता हूं। मेरे को तो पता भी नहीं थी कि ऐसे भी कोई चीज़ हो जाती है कि वैसे भी पता चल जाएगा। वो तो ऐसे ही मज़े में, और देखो कल हमें पता चला, कल रात को ही तो पता गया था भैया, कल रात को उनकी कॉल आई है, पापा को पता चलेगा फिर और ड्रामा। चलो माफी मांग ली, मैं बुला दे रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है, हम बुला दे रहे हैं, माफी मांग लेना, मांग लेगा माफी क्यों? जो कह रही है माफी मांग लेंगे, तू आंटी क्यों कह रही है? तो आंटी को बुलाऊं ना, तो वही तो कह रहे हैं आंटी को बुलाएंगे। हाँ तो आपकी गलती निकलेगी फिर क्या, उनके सर पे चढ़ोगे? चढ़ूंगा नहीं, उनसे प्यार से बात करूंगा बैठ के बैठ। अगर उन्होंने उस लड़की ने बोल दिया होगा कहाँ जाओगे तुम? तो कह रहे थे की मैं अब आ गया था, कहाँ? रोड पे मेरा अलीगढ़ जाओगे? तो चाचा से बात कर लो, मेरे को कहलवा दो कि आप अलीगढ़ जा रहे हो। मैं तो जा रहा था, रूम पे जाऊंगा फिर दूसरे के। किसी और के रूम पे जाना, फिर वहाँ घूमते रहना है। घूम रहे फिर ऐसे? कोचिंग जाऊंगा तुम्हें, चलो तो निकल जाओ तुम, जल्दी जा रहा हूँ। वो आंटी को तो बुला दे, नोटी हो रहा आंटी से बात करा दूँ मेरी। चलो बारी कराएंगे, घर में ना बुला रहे किसी का, ताई को क्यों? चलो ताई को ले जाओ ना, ताई की और बात खराब करा दो। चल तुम चलो, तो हम जाएंगे। चलो छोड़ दो, सुना देंगे सुबह निकलेंगे। चलो हमने ऑलरेडी रिवर्स प्रैंक कर लिया था, हमको पता नहीं था कि कुछ रिवर्स प्रैंक है, हमें पता था कि तुमने प्रैंक कर दिया है। ओह हम जा रहे हैं बस ये लोग, अरे गली में घूम रहे हो, बाय करने का भाई भैया, बाय। अरे ये प्रैंक है यार, मैं बारिश में नहीं आ सकती हूँ। कितने बत्तख ही जो सॉरी जलने लग गया था मेरा एकदम से।
Good night!